अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों असली न्यूज़ के इस नए चैप्टर में। आम जनता की ताकत क्या होती है ये समय समय पर जनता ने राजनेताओं को भी बताया है, लेकिन इस बार जनता ने अपने आप को सुपरस्टार समझ जाने वाले उन नशेड़ियों को भी बताया है या फिर उनके सपोर्टरों को बताया है। खबर ये निकल के आ रही है कि केबीसी जब से शुरू हुआ तब से केबीसी के इतिहास का सबसे लोअर रेट टीआरपी रेट इस बार रजिस्टर हुआ। बिग बॉस को लोगों ने कह दिया है नो बॉस, अपने आप को भाईजान के रूप में प्रस्थापित करने वाले सलमान खान का ही स्पॉन्सर किया हुआ शो है द कपिल शर्मा। कॉफी विद करण में तो कॉफी में जहर ही समझ लीजिए कि मिल गया है। इन चारों शो की टीआरपी औंधे मुंह गिर गई। इन सुपरस्टारों को शायद ये तो समझ में आ गया है कि अगर सोशल मीडिया पे आज के ज़माने में कोई मुहिम चलती है तो उसका प्रभाव क्या होता है। अभी तक आप नहीं जुड़े हैं इस मुहिम के साथ तो ज़रूर से इसका हिस्सा बनिए, और इसका हिस्सा तब जाके कंप्लीट होगा, सुशांत सिंह को न्याय तब मिलेगा जब कानून उसे देगा, लेकिन हम इन लोगों को सजा दे सकते हैं। हम 350-400 देते हैं तभी जाके ये सुपरस्टार बने हैं। 15 अक्टूबर से सिनेमा घर खुलने जा रहे हैं, इनमें से किसी भी एक्टर के या एक्ट्रेस की फिल्में मत देखिएगा। सबसे बड़ा करारा तमाचा होगा ये लो टीआरपी से भी ज़्यादा, अकल ठिकाने आ गए। ये हुआ असली न्यूज़। बात अगर दिल को छूती है वीडियो को दबा के शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर ले, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नए चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।